ओडियो और आपका जूरियो में स्वागत है। आज ओडियो लेकर आए इसका टाइटल है, टाइटल है ओपनहाइमर द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब स्टोरी यू डिडंट नो, ओपनहाइमर स्टोरी भगवत गीता। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, वैसे भी बहुत चर्चा में है, मूवी भी रिलीज होने वाली है आई थिंक कल, तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को, उसके लिए ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मैं काल के रूप में मृत्यु हूँ, संसार का विनाशक हूँ। दूसरे कोट भगवत गीता के एक श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन है, जो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से तब अचानक फूट पड़ा था जब उन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में अपने हाथों से बनाए हुए दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब के विस्फोट को देखा था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर दुनिया के उन चुनिंदा साइंटिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं जिनकी साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। देखा जाए तो उस बदलाव की पहली झलक अगस्त 1945 में तब देखने को मिली जब अमेरिका ने जापान से बदला लेते हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर दो एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए, जिससे न सिर्फ लाखों जापानीज की डेथ हुई बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री सबसे बड़े मैन मेड डिस्ट्रक्शन की गवाह भी बनी। और दोस्तों, आज पूरी दुनिया ऐसे कई न्यूक्लियर अटैक्स के थ्रेट्स को महसूस कर रही है जो शायद कभी पॉसिबल नहीं होता अगर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस बॉम्ब को बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली होती। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब की रेस में जर्मनी को पछाड़ते हुए अमेरिका को दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब वाला देश बना दिया। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसिडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS Live Prelims to Interview 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को USA के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके फादर जूलियस ओपेनहाइमर अमेरिका में फर्स्ट जनरेशन जर्मन माइग्रेंट थे। अमेरिका में आकर उन्होंने अपना टेक्सटाइल का बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस खड़ा कर लिया था और ऐसे में रॉबर्ट जब पैदा हुए तो उनकी फैमिली काफ़ी वेल्दी थी। देखा जाए तो रॉबर्ट बचपन से पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे, उनका मन सिर्फ किताबों में लगता था और यही कारण था कि बचपन में उनके कोई खास दोस्त भी नहीं रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 साल की उम्र में ही रॉबर्ट ग्रीक और लैटिन में फिलॉसफी पढ़ने लगे थे, साथ ही उनका इंटरेस्ट मिनरोलॉजी में भी बढ़ रहा था, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब में अपनी फाइंडिंग से जुड़े लेटर्स भेजा करते थे। दोस्तों, 9 साल की छोटी सी उम्र में ही उनके लेटर का इतना प्रभाव था कि मिनरोलॉजिकल क्लब ने रॉबर्ट को एडल्ट स्कॉलर समझ लिया और उन्हें अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन शो करने के लिए इनवाइट किया। देखा जाए तो स्कूलिंग खत्म करके रॉबर्ट हायर स्टडीज के लिए हार्वर्ड जाने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे रिकवर करने के लिए रॉबर्ट के फादर ने उन्हें इंग्लिश टीचर के साथ न्यू मैक्सिको भेज दिया। न्यू मैक्सिको ओपेनहाइमर को खूब पसंद भी आया और जल्द ही उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए लोकेशन ढूंढी जा रही थी उस टाइम भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसी न्यू मैक्सिको को चुना था। खैर, 18 साल की उम्र में हार्वर्ड में एडमिशन लेने के बाद ओपेनहाइमर ने केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की। 1925 में ओपेनहाइमर ने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। इससे पहले उन्हें 1924 में ही क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में मास्टर्स में एडमिशन मिल गया था, जहां पर उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड को उनके साथ काम करने के लिए एक लेटर लिखा। देखा जाए तो रदरफोर्ड उस टाइम केमिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने अल्फा और बीटा रेज को डिस्कवर किया था और एटॉमिक मॉडल भी बनाया था। लेकिन रदरफोर्ड ने ओपेनहाइमर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद ओपेनहाइमर जब कैम्ब्रिज पहुंचे तो उन्हें केमिस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े नाम यानी कि जे.जे. थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनके अंडर काम करने का मौका मिला।
थॉमसन ने ओपेनहाइमर को यह मौका एक शर्त पर दिया था, और वो शर्त ये थी कि वो लैब के सारे असाइनमेंट्स करेंगे। दूसरे टास्क ओपेनहाइमर के लिए काफी एग्जॉस्टिंग बन गया था, जिसके बारे में एक लेटर में लिखते हुए ओपेनहाइमर कहते हैं कि लैब का काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें लगता है कि वो शायद यहाँ पर कुछ सीख पाए। ऐसे में रॉबर्ट की मेंटल स्टेट दिन ब दिन इतनी खराब हो गई थी कि एक बार तो उन्होंने अपने ट्विटर के डेस्क पर नॉक्सियस केमिकल लगाकर एप्पल छोड़ दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए कह दिया था। रॉबर्ट ने इसके बाद 1926 में जर्मनी की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगेन में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, जहां पर उनकी मुलाकात हाइजेनबर्ग और एनरिको फर्मी जैसे दुनिया के बेहतरीन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से हुई, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुए। इस तरह से 1927 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। दोस्तों, इस दौरान रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराए, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स में उनकी रिसर्च काफी हेल्पफुल थी। और देखा जाए तो इस दौरान उन्होंने एटम और न्यूक्लियस की भी स्टडी की, जिसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। अपनी पीएचडी खत्म करके जब ओपेनहाइमर वापस अमेरिका आए तो एक और जहां कैल्टेक यूनिवर्सिटी में काम करने का उनको मौका मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उन्हें अपने यहां पर रिसर्च करने के लिए बुला रही थी। ऐसे में उन्होंने 1927 में हार्वर्ड और 1928 में कैल्टेक यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च की। दोस्तों, कैल्टेक यूनिवर्सिटी में काम करते हुए उनकी दोस्ती लाइनस कार्ल पॉलिंग के साथ गहरी हुई, जिन्हें दुनिया के 20 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ओपेनहाइमर और कार्ल एक केमिकल बॉन्ड के ऊपर बेहतरीन रिसर्च कर ही रहे थे कि कार्ल को पता चला कि ओपेनहाइमर का उनकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे में इस घटना के बाद न सिर्फ उनकी दोस्ती खत्म हुई, बल्कि आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जब रॉबर्ट को कार्ल की जरूरत थी और वो उन्हें केमिस्ट्री डिवीजन का हेड बनाना चाह रहे थे, देखा जाए तो तब भी कार्ल ने साफ मना कर दिया था, जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। अपनी रिसर्च के कुछ साल बाद ही ओपेनहाइमर ने कैल्टेक में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब ले ली, लेकिन वो अपने टॉपिक्स में कई बार इतने खो जाते थे कि उनके लेक्चर्स कई घंटों तक खिंच जाते थे, और इसके चलते स्टूडेंट्स ने उनकी क्लास को अटेंड करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें बाकायदा टीचिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। 1930s में भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बहुत से फेमस साइंटिस्ट के साथ काम किया, जिसमें नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ उनका काम काफी रिकॉग्नाइज किया गया। आपको बताते चलें कि अर्नेस्ट लॉरेंस साइक्लोट्रॉन पर काम कर रहे थे, जो एक तरह का पार्टिकल एक्सीलरेटर था, और इसमें मिली सक्सेस के बाद ओपेनहाइमर को प्रमोशन मिला, जिसके बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन गए। दोस्तों, 1936 की शुरुआत में जहां एक ओर उनका एकेडमिक और साइंटिफिक कैरियर मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेना शुरू किया, और इसी दौरान ओपेनहाइमर का एनकाउंटर भगवद गीता से भी हुआ। दोस्तों, भगवद गीता को समझने के लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संस्कृत प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर से संस्कृत सीखी, और रॉबर्ट ऐसा मानते रहे कि भगवद गीता ने उनके जीवन और उनकी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया है। दोस्तों, उसके बाद जब उनकी लाइफ थोड़ी बैलेंस हुई तो उन्होंने 1940 में एक मेडिकल रिसर्चर कैथरीन प्यूनिंग से शादी कर ली। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रॉबर्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले इंसान थे। 1937 में जब उनके फादर जूलियस ओपेनहाइमर की डेथ हुई और वो अपने दोनों बेटों के लिए करीब 4 लाख डॉलर की संपत्ति छोड़ गए, देखा जाए तो तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने हिस्से आई संपत्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्रेजुएट्स स्कॉलरशिप के लिए दान कर दिया, और आप इससे उनकी कम्युनिस्ट सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाद में जब रशिया में स्टालिन ने अपने जुल्म को बढ़ाया, तब रॉबर्ट का कम्युनिज्म से भरोसा उठ गया और वो अपनी साइंटिफिक थियोरीज में बिजी रहने लगे। दोस्तों, इसी दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई थी, और समय आ चुका था ओपेनहाइमर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी कि द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। दोस्तों, अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही जर्मनी ने अपने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की शुरुआत कर दी थी। 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ने फिशन रिएक्शन से होने वाली अनकंट्रोल्ड एनर्जी प्रोडक्शन पर अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी, जिसके बाद जर्मनी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप करने में लग गया था। दोस्तों, इस बारे में लियो सेजलर्ड और दो हंगेरियन जर्मन साइंटिस्ट को भी पता चल गया था, और ये दोनों ही ज्यूज थे। ऐसे में हिटलर की बढ़ती नफरत और दुनिया को हराने की उसकी चाहत को ये दोनों ही वैज्ञानिक अच्छे से समझ रहे थे। वो जानते थे कि अगर जर्मनी बॉम्ब बना लेता है तो उसके बाद दुनिया भर में बर्बादी के सिवा कुछ भी और देखने को नहीं मिलेगा, और इसी के चलते इन दोनों साइंटिस्ट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन उनको डर था कि कहीं उनके लेटर को व्हाइट हाउस में इग्नोर ना कर दिया जाए। ऐसे में उन्होंने जर्मनी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसकी जानकारी दी, जो खुद भी यहूदी थे और हिटलर के डर से अमेरिका में आकर रहने लगे थे।
दोस्तों जब आइंस्टाइन को न्यूक्लियर बॉम्ब की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। आप देख सकते हैं कि इस लेटर में उन्होंने न सिर्फ जर्मनी में बन रहे एटम बम के बारे में जानकारी दी बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह भी बताया कि अमेरिका को सिचुएशन से डील करने के लिए कैसे काम करना होगा। दोस्तों अमेरिका को इससे पहले इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जर्मनी में ऐसा कुछ होने वाला है। 2 अगस्त 1939 को आइंस्टीन के लेटर और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अटैक और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ने अमेरिका को इस पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर तेजी से काम शुरू हो गया। दोस्तों आइंस्टाइन के लेटर के बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोब्स को परमिशन दे दी थी। देखा जाए तो वर्जीनिया में मौजूद अमेरिका का पेंटागन भी लेफ्टिनेंट जनरल ग्रोब्स का ही विजन था। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी शुरुआत मैनहट्टन सिटी से हुई थी। दूसरा कारण यह भी था कि इसे पूरी दुनिया के साथ ही साथ अमेरिका को अपने लोगों से भी इसे छिपा कर रखना था। यहां तक कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे जिन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं मिली जब तक ये बॉम्ब बनकर तैयार नहीं हो गया। दोस्तों रिसर्च तो शुरू हो गई लेकिन उसमें कोई रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी और इसका कारण यह था कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआती 2 साल वॉर में शामिल नहीं हुआ था बल्कि वो सिर्फ ब्रिटेन को वेपन्स ही एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई आइलैंड पर बने पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक कर दिया जिसे पूरा अमेरिका सहम गया था और इसी अटैक के बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। दोस्तों उसके बाद अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश को और तेज कर दी और लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ने इस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जिस साइंटिस्ट को चुना था वो साइंटिस्ट थे दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर। देखा जाए तो रॉबर्ट को जून 1942 में इस टीम का लीडर बनाया गया जिसे लेकर काफी विरोध भी हुआ कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले साइंटिस्ट को एटम बॉम्ब बनाने वाली टीम का लीडर आखिर कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि विरोध के बावजूद भी लेस्ली अपने फैसले पर टिके रहे और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये पूरा काम न्यूट्रॉन और उससे निकलने वाली एनर्जी पर बेस्ड था। ऐसे में अमेरिका में उस वक्त इस सब्जेक्ट पर ओपेनहाइमर से ज्यादा किसी की भी एक्सपर्टाइज नहीं थी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि ओपेनहाइमर के लीड साइंटिस्ट बन जाने के कारण ही अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सफल हो गया था बल्कि रॉबर्ट को लियो सेजलर्ट, एनरिको फर्मी, आइंस्टाइन, एडवर्ड टेलर और रिचर्ड फेनमैन जैसे महान साइंटिस्ट का साथ मिला और इन सब के साथ ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की 15 साइंटिस्ट की एक टीम बन गई जिसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। दोस्तों साइंटिस्ट टीम के साथ ही 1,30,000 वर्कर्स भी इसमें काम कर रहे थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका के पास एनरिच यूरेनियम की मौजूदगी नहीं थी और ना ही उनके पास यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा समय था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि अमेरिका अपना एटॉमिक बॉम्ब एनरिच्ड यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम से बनाएगा जो यूरेनियम के समान ही फिशन रिएक्शन करके अनइमेजिनेबल एनर्जी जनरेट कर सकता है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटोनियम 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिस्कवर किया गया था जो शायद अगर नहीं डिस्कवर हुआ होता तो अमेरिका का एटॉमिक बॉम्ब बनाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता। देखा जाए तो जून में बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी लेने के बाद सितंबर 1942 तक ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने क्लियर कर दिया था कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है, जिसके बाद इसके लिए एक बड़े प्लान को डेवलप किया गया और बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए ओपेनहाइमर की सबसे पसंदीदा जगह यानी कि न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस को चुना गया जो कि बिल्कुल ही बंजर इलाका था और इसलिए भी बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए इसको चुना गया था। दोस्तों इस टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया गया था जिसका मतलब था गॉड, जो बेसिकली गॉड के 3 अलग अलग एग्जिस्टेंस की बात करता है जिसमें द फादर, द सन और द होली स्पिरिट होते हैं। देखा जाए तो ट्रिनिटी टेस्टिंग के लिए लॉस एलामोस में मिलिट्री पर्सन और साइंटिस्ट के रहने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए थे। उनमें से किसी को भी अपने घर जाने या फिर किसी अनजान शख्स से मिलने की भी कोई इजाजत नहीं थी। 1943 से 1945 तक लगातार बॉम्ब को डेवलप करने पर काम किया गया जिसके बाद 12 जुलाई को प्लूटोनियम एनरिच्ड बॉम्ब को डेटोनेशन के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने इसके लिए परमिशन दी। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि पूरा प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन को भी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसलिए जब उनसे बॉम्ब के डेटोनेशन की परमिशन मांगी गई तो वो पूरे तरीके से हैरान थे कि प्रोजेक्ट को कब और किस तरीके से तैयार किया गया और इसे हम आप भी समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितना ज्यादा सीक्रेट था। दोस्तों हेनरी एस ट्रूमैन के अप्रूवल के बाद 12 जुलाई को ट्रिनिटी टेस्टिंग हुई और ये एटॉमिक बॉम्ब जब फटा तो देखने वाले इस दृश्य को बयां तक नहीं कर पाए
साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्लास्ट आसमान में बड़े से मशरूम शेप की तरह था, जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ सन्स की लाइट जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और दोस्तों, इसी को देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, जिसका मतलब यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जब अपना असली रूप दिखाया था तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, और ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान में एक साथ हजारों सूर्य चमक रहे हों। दोस्तों, ओपेनहाइमर को यह बॉम्ब ब्लास्ट कुछ उसी दैविक स्वरूप की तरह महसूस हुआ। देखा जाए तो बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद जहां बाकी लोग बहुत खुश थे, वहीं ओपेनहाइमर को एक धक्का सा लग गया, जिसे उन्होंने गीता के एक श्लोक के जरिए बाद में बताया भी, जिसका मतलब था कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ। यानी उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिससे न जाने कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने इस काम से कभी भी खुश नहीं रहे। और दोस्तों, जैसा ओपेनहाइमर सोच रहे थे वैसा ही 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में देखने को भी मिला, जहां पर लिटिल बॉय नाम के पहले एटम बॉम्ब को गिराया गया और पूरा हिरोशिमा बर्बाद हो गया। फिर जब इसके बाद भी जापान नहीं माना तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम के दूसरे एटम बम को भी गिराया गया, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, जापान में हुई तबाही को देखकर ओपेनहाइमर ने तय कर लिया था कि आगे ऐसे किसी और बॉम्ब को बनाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करने का ऑफर दिया तो भी उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें सोवियत सिंपथाइजर डिक्लेयर कर दिया और उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली। दोस्तों, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हमेशा ये लगता था कि उनके बनाए गए एटम बॉम्ब ने पूरी दुनिया को बहुत ही बड़े खतरे में धकेल दिया है, लेकिन उनका डिलेमा ये भी था कि अगर वो बॉम्ब नहीं बनाते तो जर्मनी ये बॉम्ब बना लेता, जिससे संभव है कि आज शायद दुनिया रहने लायक ना बचती। दोस्तों, इसी मानसिक द्वंद से जूझते हुए ओपेनहाइमर ने 18 फरवरी 1967 को अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी मौत से पहले ही पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की होड़ में लग गई है। ऐसे में ओपेनहाइमर की कहानी से ये बात क्लियर हो जाती है कि साइंस का गलत इस्तेमाल हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक साबित होता आया है, और इस बात का रिग्रेट ओपेनहाइमर को ताउम्र रहा। दोस्तों, ओपेनहाइमर भले ही जीनियस साइंटिस्ट रहे हों, लेकिन भविष्य में कोई दूसरा ओपेनहाइमर ना बने यही इस दुनिया के लिए बेहतर होगा। वैसे दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। काफी देर पहले हमने जो है एक वीडियो देखी थी, जिसमें जो है ओपेनहाइमर सर का जो है वो जिक्र किया गया था। आज जो है उनकी मूवी जिंदगी पर एक मूवी बन चुकी है, थोड़े दिनों में नहीं, कल जो है वो लगेगी। तो बीच में जो जिक्र किया गया भगवत गीता के जो श्लोक उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी जिंदगी में, तो मोस्टली आपको ये चीज जो है वो देखने को मिलती है कि बहुत सारे साइंटिस्ट कह लें, बहुत सारे लोग जो हैं जब वो जिंदगी में बहुत सारे काम कर चुके होते हैं ना, फिर उन्हें कहीं जाके रियलाइज होता है कि उन्होंने जो है ना जो चीज बनाई वो शायद ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए नहीं। मैं ये बात बोलूंगी कि देखो, हालात कुछ इस तरह के होते हैं। इंसान से वो चीजें हो जाती हैं। कुछ उनकी डेस्टिनी में भी वो चीजें रहती हैं। जिस तरीके से हम लोग ओपेनहाइमर सर की बात करें, और मतलब इनके बारे इवन के प्रोजेक्ट जो मैनहट्टन है उसके बारे में भी हम लोगों ने एक वीडियो थोड़ी बहुत उसमें देखा था। मुझे ये लगता है कि इंसान के अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, इंसान उसी को और जानने के लिए बहुत सारी आपके लोगों की नई चीजें इन्वेंट करता है। बट मेरे माइंड में एक चीज जरूर आई, और वो ये कि हम लोगों ने ये पहले भी सुना हुआ है कि जैसे ही मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उनके मुंह से बे इख्तियार जो भगवत गीता के श्लोक हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मुझे अब ये यहाँ पर बहुत सारे लोग ये ना समझेंगे मैं कुछ ज्यादा धार्मिक हो रही हूँ, ऐसी नहीं है। बट हाँ, मैं ये जरूर सोचती हूँ कि वो ही क्यों उनके मुंह से निकले, क्यों मतलब क्या उनको ऐसा फील हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी मौजम, लेकिन तुम ये देखो कि एक उस पॉइंट पर आकर आपको किसी एक ऐसी चीज की याद आती है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो आपको उसके साथ वो मतलब आप कह लो कि मिलता जुलता या अपनी कोई एफिलिएशन फील होती है, तभी आपके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये तो कहना लेते हैं, आप सब बताइएगा मुझे तो इस बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि इतना साइंस है ना। हाँ। मुझे पता है साइंस जो है वो रिलीजन पर बिलीव नहीं करती, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक नजरिया होता होती है कि वो क्या मतलब समझता है क्या नहीं समझता। एक साइंसदान की जो लाइफ होती है वो ज्यादातर आप कह लो कि एक्सपीरियंस नहीं, वो सोचता है,
वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन करने से ही जो नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं और उसके जो सोचने की लिमिट नहीं कोई होती। अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में कहीं ना कहीं पर आपकी एक लिमिट जो है वो तय कर दी जाती है। मैं सब रिलीजन की बात नहीं कर रही, बट ये है कि हाँ, साइंटिस्ट के बारे में हमेशा ये बात बोली जाती है कि वो इसीलिए साइंटिस्ट होते हैं क्योंकि उनके जो सोचने का दायरा है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। देखिए यार, अगर एक साइंटिस्ट की जिंदगी में जो है ना लिमिट लग जाए ना चीज़ों की, तो वो जो है ना फिर चीज़ें जो है वो डिवेल्प कर ही नहीं सकता। वो वहीं पर रुक जाएगा, वो कहेगा भाई ये इनफ है। हाँ, अगर ये बात कीजिए जहाँ पर वीडियो एंड हुई है, वहाँ पर जो जिक्र किया गया कि अगर US डिवेल्प ना करता तो जर्मनी जो है वो जो है डेवलप कर लेता, तो हो सकता है आपको जो है फिर दुनिया की एक अलग ही शेप जो है वो देखने को मिलती। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वॉर टू जो है वो रोकने में एटम बॉम्ब का जो है वो बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि रोल जो था वो उसका था। क्योंकि अगर जापान ना रोकता, यानी कि अपने आप को विड्रॉ ना करता, तो शायद जो है आपको बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसके देखने को मिलते। लेकिन हाँ, ये है कि भाई एक चीज़ जो आपने देखे ना, तो जर्मनी जो है उस टाइम पे वेपनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। लेकिन ये देखो ना, वीडियो में ये भी तो बताया ना कि अमेरिका को भनक तक नहीं थी, वो तो बाद में जब पता चले। देखो, मैं ये जितना भी आज हम लोगों ने फैक्ट्स सुने हैं और जैसे भी उनकी लाइफ के बारे में जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जिसकी ज़रूरत होती ना उतना उससे काम ले लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसको आप जो है ना एक साइड पर कर देते हो। अगर हम लोग देखें उस टाइम पर जो अमेरिका है उनको ओपनहाइमर की ज़रूरत थी कि जर्मनी के अगेंस्ट, मतलब अगेन बीच में ये बोला गया कि बहुत सारे लोगों की एक टीम थी, एक अकेले साइंटिस्ट का काम नहीं, लेकिन है एक की रोल के लिए उन्होंने प्ले किया, उन्होंने किया ना, तो इस वजह से उनका नाम जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो मुझे ये लगता है कि ना अभी जैसे मौसम ने बात की, जर्मनी अगर कर लेता तो हो सकता है कि वो डिक्टेटरशिप इतनी ज़्यादा फैल जाती कि सब जो बाकी दुनिया वो उसकी लपेट में आना शुरू हो जाती। और दूसरा, बहुत सारी मोनार्कीज़ जो है उनको खत्म होने का जो है उस टाइम डर जो है वो रहता कि भाई कि बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो जो वेपनाइजेशन उस टाइम हुई और न्यूक्लियर बम जो बना, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दुनिया को शेप करने में जो है फॉर्म किया, वर्ल्ड वॉर टू को रोकने में जो है फॉर्म किया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू ही जो है वो इंडिया पाकिस्तान की अगर पार्टीशन की बात की जाए तो जो बहुत जल्दबाजी में की गई उसकी जो है एक वजह बनी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे उनको सारी जिंदगी एक रिग्रेट रहा, जो कि उनको मे बी फील होता हो कि बहुत सारे जो लोग हैं जो मासूम जाने हैं वो चले गए हैं। लेकिन एक चीज ये भी देखना चाहिए कि एक ही चीज का इस्तेमाल आप सही भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। ये तो जरूरत पर डिपेंड करता है और लोगों पर भी बहुत निर्भर करता है कि किसके हाथ में वो चीज जाती है। अगर वो सही बंदे के हाथ में जाती है तो उसका इस्तेमाल कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो गलत बंदे के हाथ में जाती है तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल जो कभी सही नहीं हो सकता। उसकी एग्जांपल हम आज के टाइम पर भी ले सकते हैं कि जैसे हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में, तो वो भी किसी वॉर से कम नहीं है। लोग उसको भी एज अ वॉर ही कंसिडर करते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉर भी यही है कि जैसे लोग जो है ऑनलाइन झगड़े करते हैं, कॉमेंट करते हैं और पता नहीं क्या क्या साइबर वॉर जो है वो होती है। सो मुझे अगेन इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी मैं कहूँगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, एक बैकग्राउंड के बारे में पता चला। और वैसे भी कल ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, आप ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड है। और इसी के साथ हम मिलते हैं वीडियो।